सन 2019 अंतिम महीनों में जाते जाते दिल्ली के सदर बाजार और पहाड़गंज अनाज मंडी में लगी आग में 43 बेकसूरों को मौत की नींद सुला गया। नए साल यानी कि 2020 की जब शुरुआत हुई तो 2 जनवरी यानी गुरुवार को तड़के दिल्ली के पीरहगड़ी इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। करीब 4:30 बजे लगी इस आग की भीषणता इस कदर थी कि 35 फायर टेंडर्स भी आग को बुझा पाने में करीब 12 घंटे तक परेशान रहे। ये आग भी साल के शुरुआत में ही दिल्ली दमकल सेवा के एक बहादुर जवान को मौत की नींद सुला गई। आग कैसे लगी ये तो फिलहाल पता नहीं लग सका है, लेकिन दिल्ली दमकल सेवा के काफ़ी समय के बाद किसी कोशिश में ऐसा हुआ है जब उसके जवानों को नुकसान हुआ है। कई जवान पीरागढ़ी में लगी आग में जख्मी हो गए। उस फायर पर काम करते समय एकदम ब्लास्ट हुआ, इसमें हादसे के शिकार हो गए। कितने लोग फंसे हैं सर? अभी अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने लोग थे सर आप लोग? ये भीषण आग कैसे लगी ये तो फिलहाल पता नहीं लग सका है, लेकिन साल के शुरुआत में लगी इस भीषण आग में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा तो दिल्ली दमकल सेवा को, जिसने एक बहादुर जवान हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा भी साल के शुरू में पहला मौका है जब दिल्ली दमकल सेवा को एक जवान तो खोना ही पड़ा, उसके कई जवान जख्मी भी हो गए। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लगा है। कई घंटे तक आग बुझाने की कोशिश जारी रही मगर आग थी कि काबू नहीं आ रही थी। आग जिस फैक्ट्री में लगी है वहाँ बैटरी बनाई जाती थी। आग बुझाने की जब कोशिशें दिल्ली दमकल सेवा के ट्रेंड कर्मचारी कर रहे थे उसी वक्त फैक्ट्री में धमाका हुआ और उसकी पूरी की पूरी इमारत ढह गई। अचानक ढही इस इमारत में कई दमकल कर्मी अंदर ही दब गए। पहले से फैक्ट्री में कितने लोग मौजूद थे यह फिलहाल पता नहीं लग पाया है। आग भीषण थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 12 से 15 घंटे दिल्ली दमकल को आग को काबू करने में लग गए। इस मामले में दिल्ली फायर सर्विस के मौके पर मौजूद अधिकारियों को अफसोस था तो इसका कि उन्होंने अपना एक बहादुर जवान इस आग की भेंट चढ़ा दिया और कई जवान हाथों से जख्मी हो गए आग में झुलसने के कारण। जिन 15 लोगों की जान बचाई गई उनमें दिल्ली फायर सर्विस के कई वो जवान भी थे जो बिल्डिंग कोलैप्स होते ही उसमें दब गए थे। संजीव कुमार सिंह चौहान, INS TV, दिल्ली।